तेन नहीं छड़ेगा। क्यों? और तू रब च मिला सी। क्यों? तुसी लैनी सी। ओ चंगर कबूतर चुना मर्द समान तोड़े और रिक्ताश कर लई और समें ते सजदा करने पैंदा साफ दे। तो ओए मेरा फेर फेरी ते फेरा फेर पावा आ प्यो ते रखते रहे मत दियो आ मावा ते ठंडिया छावा होने साया। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमने बहुत जुल्म किया है। जीते कहना मैं तेनू अपना वैरी बना लवा वो पर सोचना वा मेरा जोड़ भी नहीं सोने वो नवा सोने ठा करके छा गए। नवा आया सोने तो ठा करके छा गया तू वाकई छा गया डिंचक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद है डिंचक डिंचक डिंचक। नाज़रीन आपने ये बात सुनी होगी कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये बात झूठी नहीं, ये बात 110% सच्ची है। आज मेरे साथ मौजूद है छोटे कद में डिंचक। डिंचक क्यों डिंचक बना, डिंचक का नाम डिंचक क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। डिंचक इमरान खान साहब, सुल्तान राई, शान और मुस्तफा कुरैशी की हूबहू आवाज भी निकालता है और उनकी तरह डायलॉग भी मारता है और उनकी तरह शौक भी रखता है, मतलब के बंदूकों के और सैमा के साथ बाग में जाकर गाने गाने के भी शौक रखता है। डिंचक से बात करके जानेंगे कि डिंचक डिंचक कैसे बना और आवाजें कैसे निकालता है, ये टैलेंट कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिंचक कैसे हो? दुआएं आप सुना ठीक है। चीज क्या है, व्हाट इज अ डिंचक, क्या है डिंचक? डिंचक एक नाम है। डिंचक ब्रांड तो नहीं है ना? ब्रांड से भी बढ़ गया है। अच्छा, क्योंकि डिंचक एक ही है। अच्छा, डिंचक एक ही है और डिंचक ब्रांड है। डिंचक क्या चीज है भाई, ये भी तो बताओ ना, मतलब क्या है डिंचक का? डिंचक का मतलब है छोटा। हाँ ठीक है। और अक्सर आपने डांस में देखा होगा डिंचक 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 डिंचक। ये है डिंचक। करके दिखाओ ना किस तरह होता है डिंचक। डिंचक का पता भी चले कि डिंचक किस तरह डिंचक डिंचक करता है, मुझसे करवाई जा रहे हो। आपको मतलब ये दिखाऊंगा डिंचक कैसे कैसे करेंगे। करके अभी दिखाएं। अभी मैंने ये वजन पहना हुआ है। ये वजन है। बड़ी बात है कि डिंचक ने अपने से बड़ी ये चादर पहनी हुई है और यकीन करें कि इस चादर का वजन पूरे 2.25 किलो है। डिंचक कितना चादर चुकी उम्र है। जब बंदा किसी का आशिक होता है ना तो उसका वजन ही नहीं देखता जाता। आप किसके आशिक हो, बेंजर भुट्टो के? ओह नहीं, बिलावल भुट्टो के? नहीं नहीं नहीं, मैं बाबरा के? नहीं नहीं, मैं सुल्तान साहब का फैन हूँ, आशिक हूँ। सुल्तान राई साहब के फैन हो? हाँ जी। आपको पता है कि सुल्तान राई की जो बड़ी बंदूक है उसकी गोली तुम्हारी जितनी होती है? ओ, कोई बात नहीं, वो गोली थी ना, ये तो मैं हूँ। अच्छा नाज़रीन, वो गोली थी, ये ढिंचक है। ढिंचक सुल्तान राई की सुना कि हु बहु आवाज निकालते हो, निकाल के दिखाओ जरा। देखो जी उनकी कॉपी कोशिश करेंगे क्योंकि हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना आता है ना आएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे। आप करें कोशिश। कबूतर चुना मर्द समान तोड़े और रिक्ताश कर लई और समें ते सजदा करने पैंदा साफ दे। ओए नाज़रीन छा गया जे ते वाकई सुल्तान राई दा छोटा की लग रहे शिगिर्द लग रहे। हाँ, गलत ना कह रहे यार। गलत मैं थोड़ी कह रहा हूँ नाज़रीन, ये वाकई सुल्तान राई का छोटा शिगिर्द लगा है और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। और किसकी आवाज निकालते हो? और मैं हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट माशाल्लाह अल्लाह शान साहब, उनकी भी जन्नत में कर दे अल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह जिंदगी दे यार, जिंदा है जिंदा है। हाँ अल्लाह जिंदगी दे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और नाम है। तो मेरा फेर फेरी तो फेरा फेर पावा आ प्यो ते रखते रहे मत दियो आ मावा ते ठंडिया छावा होने सोए। नाज़रीन ये थी हमारे पाकिस्तानी हीरो शान की आवाज, जिसने सारी उम्र डांगे चलाई और अब जाकर इंग्लिश फिल्मों में हैवी बाइक मोटरसाइकिल चलाता है। इसके अलावा और किस किस की आवाज निकालते हो? और मैं मुस्तफा कुरैशी साहब माशाल्लाह बहुत हमारे नाम और मिलन है, नो डाउट। और उनका उनके अलावा भी कोई नहीं आ सकता आर्टिस्ट, उनकी भी कोशिश करते हैं। करें
जीते कहना मैं तेन अपना वैरी बना लवा वो पर सोचना वा मेरा जोड़ भी नहीं सोने वो नवा सोने ठा करके छा गए नवा आया सोने तो ठा करके छा गया है तू वाकई छा गया है डिंचक डिंचक किसके अलावा और किसकी आवाज निकाल लेते हो मैं कोशिश करूंगा इमरान खान साहब की आवाज निकालने की फेवरेट नाज़रीन पाकिस्तान की सबसे जो यंग जनरेशन है उनका फेवरेट इमरान खान साहब की आवाज निकालने जा रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा ये कहते क्या हैं फरमाते क्या हैं फरमाइए खान साहब मेरी बात सुनाओ मैं तुम्हें चलूंगा और मैं तुमने बहुत जुल्म किया है बस आगे नहीं बोल चादर भी वजनी ते बंदे कुल खड़ा नहीं होया जांदा अच्छा तो लाइक करो नहीं ते की कर सो ओए फिर जुमराई कहांगे डिचक डिचक करांगे नाज़रीन ये डिचक का टैलेंट छोटा सा कद है नन्नी सी जान है और चादर पहन के मैं कहता हूँ हो गया वेरान है ये चादर आप इसके इसके पैरों तक जाती देख सकते हैं और अब आपको ढिंचक का आखिरी वाला जलवा दिखाएंगे वो जलवा ये है कि ढिंचक करेगा ढिंचक 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 चल ढिंचक करके दिखा मैं लगता है आपने मेरी चादर उतारनी पड़ेगी चादर नहीं मुर्शिद मैं बहुत कुछ उतरवाता हूँ उतारे करो मेरे से बचना अच्छा मैं यानी कि ला दिया तुसी चार ला चिकी मैं तेन नहीं छड़ेगा क्यों तू रब चुमी लाई सी क्यों तुसी लैनी सी मैं नहीं किसी इज्जत थी नाज़रीन बड़ी बात कर दी है डिंचक ने डिंचक की इज्जत थी डिंचक तेरी मशूक तो नहीं है किसी और नहीं यार किसी भैन हो सही किसी कुछ हो नाज़रीन जब आप किसी जगह पर तमाशा देखते हैं तो वो कहता ना कि आपको हमने अपना आखिरी तमाशा दिखाना है किसी मदारी वाले में अब यूं ही समझे कि मैं इस डब्बे में से कोट किरला निकालने जा रहा हूँ चल भी ढिंचक हो जा तैयार नाज़रीन डिंचक को आ गया चक्कर क्योंकि नन्ही जान ने पहले 3 घंटे चादर उठा कर रखी आपने से भी ज्यादा वजनी और अब चक्कर खा के गिरने जा रहा है डिंचक कैसा महसूस कर रहे चक्कर खाने के बाद छोड़ दो सानू आज नशा ही सानू बहुत है पर डिगदा नहीं डिंचक टीचक एक डिंचक इस अलावा कोई नहीं डिंचक नहीं आना एक डिचक आया तो एक ही आना है और कोई नहीं आना तो नाज़रीन ये था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका मतलब के मोहम्मद शकील उर्फ डिंचक डिंचक एक आर्टिस्ट है और छोटी मोटी फिल्मों में काम कर रहा है दुआ करें कि अल्लाह ताला डिंचक को कामयाब करे और टैलेंट है इस बंदे के अंदर खान साहब की आवाज़ निकालता है सुल्तान अली साहब की आवाज़ निकालता है और उसके अलावा मुस्तफ़ा कुरैशी और हमारे पाकिस्तानी हीरो शान की भी आवाज़ निकालता है ये वीडियो आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई थी अगर इस वीडियो में किसी की किसी किस्म की कोई दिल आजारी हुई तो उसके लिए माजरत मुझे दीजिए इजाज़त देखते रहिए एमन पॉइंट अल्लाह निगेबान